अरे बोल के नहीं बता पाए तो निर्णय लेने में सहायता करता है। अच्छा उत्तरदायित्व सभी का होता है ना, उत्तरदायित्व सभी का होता है। क्यों क्या कारण है, क्यों निर्णय लेने में सहायता कर रहे हैं दूसरे की? भाई एक कैबिनेट मिनिस्टर ने फैसला लिया और वो फैसला गलत साबित हो गया। एक कैबिनेट मिनिस्टर ने कोई फैसला लिया, पीएम को बोला सर ऐसे ऐसे कर लीजिए, देश में खुशहाली आ जाएगी, लेकिन क्या साबित हो गया वो फैसला गलत साबित हो गया। अब क्या होगा, अब अगर सरकार गिरेगी तो किसी एक की जॉब जाएगी, सबकी जॉब जाएगी, सबकी जॉब चली जाएगी, सबकी हाँ मतलब मंत्रिपरिषद के सारे मंत्रियों की जॉब चली जाएगी। तो इसी वजह से सामूहिक उत्तरदायित्व है कैबिनेट में भी, और कैबिनेट ही सारा डिसीजन ले रहा होता है। जो हम कहते हैं ना मंत्रिपरिषद ने किया, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी, मंत्रिपरिषद ने ऐसा किया, असल में सारा काम कौन कर रहा होता है? मंत्रिपरिषद के बिहाफ पर, मंत्रिपरिषद की जगह पर कौन कर रहा होता है? एक कैबिनेट कर रही होती है, मंत्रिपरिषद के अंदर ही एक आंतरिक समूह बना है कैबिनेट मंत्रियों का जो कर रहा होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है, तो आगे और करते हैं। ये तो तुमने पढ़ ही लिया होगा, मैंने ग्रुप में भेज दिया शायद पीडीएफ, चला गया ठीक है, कि कैबिनेट मंत्री अपने अपने मंत्रालय से संबंधित विभिन्न मामलों पर नीति बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, वे विधेयक का मसौदा तैयार करते हैं और उन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये विधेयक का मसौदा तैयार कर रहे हैं, प्रस्तुत कर तो कर रहे हैं, लेकिन हर एक जो कैबिनेट मंत्री है उसके ऊपर उसने जो भी विधेयक जमा किया है, यह माना जाएगा कि हर एक कैबिनेट मंत्री से जांच पूछ के परख है कि वो विधेयक आया है, और अगर उस विधेयक की वजह से बाई चांस ऐसी स्थिति आ जाती है कि सरकार गिरने की नौबत आ जाती है ना, तो एक तरह से सबकी जिम्मेदारी होगी। ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया यह विधेयक तो इन कैबिनेट मंत्री लाएगा, इनका इस्तीफा दे। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, नीति बनाने के लिए जिम्मेदार तो है, लेकिन याद रखना नीति बनाने के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। कोई एक नीति बनाई तो केवल एक मंत्रालय, भले ही एक मंत्रालय का नीति हो, भले ही वित्त विभाग की नीति हो, सपोज परिवार जैसे जीएसटी हो गई, लेकिन उसमें सारे मंत्रालय इन्वॉल्व है, उसमें सारे मंत्रालयों का अपना रोल है। सारे कैबिनेट मंत्रियों का अपना ही रोल है। क्या रोल है? भले उन्हें वित्त संबंधित कुछ नहीं आता हो, फिर भी वो अपना इनपुट देंगे, फिर भी वो अपनी जो भी उनकी मान्यता है, जो भी उनकी अवधारणा है, उससे अवगत कराएंगे जो मुख्य कैबिनेट मंत्री है, यानी कि जो प्रस्तुत कर रहा है उस विधेयक को, जो प्रस्ताव ला रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? और एक बार उनका समर्थन प्राप्त हो गया, एक बार सबका समर्थन वैसे भी प्राप्त हो जाएगा क्योंकि पीएम है वहां पर, है ना? अगर विरोध है तो आंतरिक विरोध हो सकता है, लेकिन जब एक बार कैबिनेट के बाहर आप निकले वो बिल लेकर, है ना, कि यह बिल हमारी सरकार प्रस्तुत कर रही है, या कोई विचार या कोई डिसीजन या कोई निर्णय या कोई पॉलिसी लेकर एक बार कैबिनेट के बाहर निकले, है ना, और उसके बाद वो निर्णय जो है मंत्रिपरिषद के हर एक मंत्री को दे दिया गया कि यह निर्णय हमारे सरकार का है, तो एक बार आपको इन्फॉर्म कर दिया गया, उसके बाद वह निर्णय आपका ही, आपका भी माना जाएगा। क्या मेरे पास समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इस तरह से सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करता है हमारे देश की सरकार। कौन से अनुच्छेद में आइए, कौन से आर्टिकल में? 75 क्लॉज 3। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, ये तो 75(3) की बात हो गई, कोई बात लिखी नहीं शायद करोगे, शायद का लेट हो गया था, कोई बात लिखेंगे इसमें लिखोगे। साझी वाली बात करें, साझी
मंत्रियों का आपस में गतिरोध एक बार सामने मिला लेने पर खत्म हो जाता है। आगे रुकोगे यह उसी नागर को यह सुनिश्चित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि मंत्री परिषद के अंदर मंत्रियों में किसी प्रकार का गतिरोध नहीं, मंत्रियों में किसी भी प्रकार का गतिरोध नहीं, ठीक है। किसी प्रकार का गतिरोध नहीं है। और यह सामूहिक निर्णय या सामूहिक निर्णय लेते वक्त असहमतियों को दूर कर लिया गया है, असहमतियों को दूर कर दिया गया, ठीक है, असहमतियों को दूर कर लिया गया है। कैबिनेट का काम मैंने आपको भेज दिया है ना, एक बार देख लीजिएगा। पहला तो नीति निर्माण है इंपॉर्टेंट, दूसरा है क्या है, निर्णय लेना है। मैंने आपको बता दिया कि कैबिनेट कार्यपालिका शाखा में सर्वोच्च निकाय संस्था है, जो सबसे बड़े डिसीजन लेने वाली है। जो मंत्रिपरिषद बोलते हैं उसका असली काम कौन कर रहा है, कैबिनेट कर रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि पूरे देश में सबसे बड़ी कार्यपालिका की संस्था कौन है, कैबिनेट। क्या मेरी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई दिक्कत नहीं तो बताओ, क्योंकि टॉपिक दो तीन चला मुझे लग रहा है कि पता नहीं कुछ छूट तो नहीं हुआ। सबको आ रहे हैं समझ में, बात ये बात हो चुकी है, शायद अच्छे से हो चुकी है, ठीक में हो चुकी है। कई सारे एग्जाम्पल दिए थे, राष्ट्रीय सुरक्षा आर्थिक नीतियों और सामाजिक कल्याण की योजनाएं, विदेशी मामले, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं है ना, उसमें सारा डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, कैबिनेट मंत्रियों द्वारा लिया जाता है, कैबिनेट द्वारा लिया जाता है। मंत्रालय का प्रशासन, जो कैबिनेट मंत्री है अपने अपने मंत्रालयों का प्रशासन कर रहे हैं, अपने अपने मंत्रालयों के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं, और उन मंत्रालयों के हेल्प से प्रशासन कैसे सुचारू रूप से चल सके वो चीज देखें। क्या मेरी बात समझ आ रही है। साथ ही साथ नीति निर्माण और क्रियान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है, नीति निर्माण के लिए भी और उसका क्रियान्वयन कैसे होगा उसके लिए आंतरिक रूप से जिम्मेदार है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बजट तैयार करना प्रस्तुत करना ये भी कैबिनेट मंत्री काम है। बजट का केवल फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत कर रहे हैं, हाँ प्रस्तुत केवल फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन क्या केवल फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे हैं, नहीं, सब मिलके बना रहे हैं, मेरी बात नहीं, सब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, इसीलिए बजट से रिलेटेड क्वेश्चन केवल फाइनेंस मिनिस्टर का आंसर नहीं देता। आप नोटिस किया होगा प्रधानमंत्री जो कि मंत्रिपरिषद का मुखिया है वो आंसर दे रहा होता है मंत्रिपरिषद के वक्ता के रूप में, मंत्रिपरिषद के मुख्य वक्ता के रूप में प्रधानमंत्री बजट सेशन का आंसर दे रहा होता है कि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जो बजट आया है वो केवल वित्त मंत्री ने नहीं लाया, वो कैबिनेट में आया, कैबिनेट में आपस में विभिन्न मंत्रालयों के जो मंत्री हैं आपस में डिस्कशन हुआ, वो सरकार का बजट है, वित्त मंत्री का बजट नहीं है, बस सिंपल सी बात, मेरी बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और सरकार में सारी अथॉरिटी या सारा इस तरह का निर्णय ले कौन रहा है, कैबिनेट, और निर्णय लेने के बाद पास किसे कर रहा है, मंत्रिपरिषद को, और एक बार मंत्रिपरिषद को पास कर दिया गया तो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाता है कि मंत्रिपरिषद की भी के मंत्रियों की भी इसमें हामी है, सहमति है। क्या मेरी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सामूहिक उत्तरदायित्व मैंने बता दिया आपको, कैबिनेट सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है, क्या मतलब हुआ कि सभी मंत्री सार्वजनिक रूप से कैबिनेट के निर्णयों का समर्थन करते हैं, सार्वजनिक रूप से, समझ रहे हो ना, अगर आंतरिक गतिरोध भी है तो मन में रखना है, पब्लिक में नहीं आना चाहिए आंतरिक गतिरोध। और एक बार डिसीजन ले लिया तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो कहा था, होते हैं ना पुराने लोग कहते हैं सपोज पढ़ रहे हो एक बार भी सही निकला पहली बार में तो क्या बोलेंगे घर वाले, मैंने तो कहा तुम्हारे पढ़ने का तरीका ही नहीं सही, तुम पेन ही सही इस्तेमाल नहीं करते,
तुम सुबह पूजा पाठ व्रत वगैरह जो भी होता है वो सब नहीं रह रहे, तरह तरह की चीजें बताएंगे। मेरी बात सुनो, मैंने तो कहा था ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री ये नहीं कह सकता एक बार नीतियां ले ली गई है ना, तो वो माना जाएगा कि भले ही आंतरिक गतिरोध रहा इस मंत्री का, इस भले ही इस डिसीजन से जो कैबिनेट ने लिया है उससे किसी एक मंत्री का आंतरिक गतिरोध रहा होगा, संतुष्ट नहीं हो, फिर भी वो नहीं बोल सकते कि मैंने तो कहा था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? या डिसीजन उस मंत्री का भी उतना है जितना कि उस मंत्री का जिसने असल में पेश किया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? करो डायग्राम बनाए, शायद तुमको पीएम लीड कर रहे हैं इसमें, अगर कोई समझ में आ गया मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? दोबारा करवाऊं क्या वैसे? पर एकदम समझ में आ गया ना? चलो याद रखना कि कैबिनेट मंत्री अपने आप को अलग कैबिनेट से अलग नहीं कर सकता, अपने मत को कैबिनेट के मत से अलग प्रस्तुत। कहीं नोट कर लो इस बात को, नोट कर लो, भूल जाओगे तुम लोग, ठीक है? समझने की एक्टिंग तो जबरदस्त कर रहे हो लेकिन भूल जाएंगे तो क्या होगा? देखो कैबिनेट मंत्री अपने मत को कैबिनेट के मत से अलग प्रस्तुत नहीं कर सकता, ठीक है? चलो अब बताओ मुझे, राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी 70-80 मंत्री है, तो 70-80 मंत्री तो सलाह देने जाएंगे नहीं, सब राष्ट्रपति काम बोल रहे हैं ऐसे, अच्छा लगेगा? 70-80 लोगों से पूछते हैं राष्ट्रपति जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे, राष्ट्रपति जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे, 70-80 लोग हैं, मेरी बात सुनाई? तो सब लोग तो नहीं कर सकते, बस सिंपल सी बात है। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जगह पर काम कौन कर रहा है? उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि उस मंत्री परिषद का एक छोटा सा हिस्सा, जिसका क्या नाम है? कैबिनेट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो राष्ट्रपति को जो सलाह दी जा रही है वो असल में कैबिनेट से आ रही है ना? हम बोलते हैं मंत्री परिषद, जब मैं बोलूंगा राष्ट्रपति को सलाह देना मंत्री परिषद का काम है, तो तुम्हें अपने आप मन में ही समझ लेना है कि असल में तो काम कैबिनेट का ही कर रहा है, असल में यह सलाह कैबिनेट द्वारा ही आई है, क्योंकि जो नीचे के मंत्री हैं उन्हें कैबिनेट के मामले में, कैबिनेट के सलाह में, कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णय में हामी देनी ही देनी है, सहमति देनी ही देनी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वो जो पावर है वो तो है ही, हालांकि राष्ट्रपति कैबिनेट से अपनी सलाह का पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकता है। मैं बता चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ प्रॉपरली, कि कोई भी सलाह या कोई भी विधेयक अगर दिया जा रहा है तो पुनर्विचार के लिए वापस भी किया जा सकता है। दिक्कत तो नहीं है ना? आगे देख रहे हैं, सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक हो चुका है, हैंड डालेंगे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। देखिएगा क्या होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व भी मुझे लग रहा है कुछ लोग बहुत अच्छे समझ में आया, ठीक है? थोड़ा सा एक और पल उठाएंगे इस बात को, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? समूह के रूप में है ना, एक टीम के रूप में काम किया, कोई एक मेंबर भी अगर गलत काम कर रहा है, समझ रहे हो ना? कैच छूट गया बुमराह से, कैच छूट गया बुमराह से, मेरी बात समझ? तो मैच इंडिया हारी या बुमराह हारा? मेरी बात समझ आ गई? यही होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या मेरी बात समझ? विराट कोहली ने लगा दी सेंचुरी, विराट कोहली ने लगा दी सेंचुरी, लेट अस सपोज कर लेते हैं, ठीक है? तो मैच कौन जीता, कोहली या इंडिया? समझ आ गया नहीं? समझ आया? बस सही होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। किसी एक ने अच्छा किया तो भी समूह की जिम्मेदारी, किसी एक ने बुरा किया तो भी समूह की जिम्मेदारी, पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल। क्या मेरी बात समझ? साथ ही साथ अगर एक की गलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर लिख रहा हूं, किसी एक की गलती हुई, यह तुम्हारी लोकसभा और ये राज्यसभा है, राज्यसभा में तो कुछ नहीं हुआ,
सरकार कहाँ से बन रही होती है? लोकसभा चुनाव के होता है। आप लोग मेरी बात समझ, किसी एक से गलती, किसी एक से ही गलती हुई, लेकिन उसका खामियाजा पूरी की पूरी सरकार को भरना पड़ा। कैसे भरना पड़ा? कि लोकसभा में सरकार गिर गई। मेरी बात समझा रही है? मंत्रिपरिषद पर लोगों का भरोसा नहीं है, मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में यह देखा जाए तो सरकार यानी कि लोकसभा को चलाने के लिए उत्तरदायित्व कौन था? मंत्री परिषद। जब मंत्री परिषद ने इस्तीफा दे दिया, मेरी बात समझ, जब मंत्री परिषद ने इस्तीफा दे दिया या मंत्री परिषद हट गया तो सरकार अपने आप गिर गई, लोकसभा अपने आप भंग हो गया। क्या मेरी बात समझा गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व है किसकी ओर? लोकसभा की ओर या सरकार की? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर मंत्री परिषद है ना, अगर मंत्री परिषद सुचारू रूप से काम कर रहा है तब तो लोकसभा चल रही है। अगर मंत्री परिषद सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है तो लोकसभा नहीं चल रही। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व है लोकसभा के प्रति और लोकसभा का मतलब सरकार है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, एक बात तो क्लियर होगी। इसके अलावा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, हेडर का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है? अच्छा, लोकसभा से चुनके ही सरकार आ रही होती है, लोकसभा के गठन के बाद ही मंत्रिपरिषद बनता है, पता है बात? लोकसभा का गठन हो गया उसके बाद ही तो नया मंत्रिपरिषद बनता है। मेरी बात समझ? यह भी दिखा रहा है कि सरकार का बनना या सरकार का हटना, सरकार का बनना और सरकार का हटना दोनों किसके ऊपर है? मंत्रिपरिषद के ऊपर। क्या मेरी बात समझ? तो सरकार के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी किसकी है? सामूहिक उत्तरदायित्व किसका है? मंत्रिपरिषद। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब थोड़ा सा इस समूह को अलग अलग करके अलग अलग व्यक्तियों के रूप में देखते हैं। ये व्यक्ति जो भी जिन्हें मंत्री बोल रहे हैं, इन्हें शपथ दिलाया कौन था? कौन दिलाया था? राष्ट्रपति। क्या मेरी बात समझ? यानी व्यक्तिगत रूप से ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से अगर ये अपने सरकार के खिलाफ भी जा रहे हैं, मेरी बात समझ, व्यक्तिगत रूप से इनके द्वारा लिया गया हर निर्णय, व्यक्तिगत रूप से इनके द्वारा लिया गया हर एक मत, मेरी बात समझ, कहीं ना कहीं इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को दिखा रहा होता है राष्ट्रपति के। तो ये क्योंकि इन्हें अपॉइंट किसने किया? इन्हें सांसद तो बन गए थे आप लोगों द्वारा चुनके आने के बाद, लेकिन इन्हें मंत्रिपरिषद में मंत्री की पोस्ट पर किसने बैठाया है? राष्ट्रपति ने बैठाया है ना? किसी कहने पर? प्राइम मिनिस्टर कहने पर बैठा है। मंत्रिपरिषद के मंत्री का पद उसे कब मिला है? जब राष्ट्रपति ने उसे दिया है। किसके कहने पर दिया है? प्रधानमंत्री कहने पर दिया है। यानी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? जो भी डिसीजन लेगा उससे राष्ट्रपति की साख प्रभावित हो सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? उसे अपॉइंट करने वाला, अच्छा, मंत्रिपरिषद से किसी को हटाना होगा तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। यानी कि बनाने वाला भी राष्ट्रपति है और मंत्रिपरिषद से हटाने वाला भी राष्ट्रपति है। यानी कि उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से, पूरे समूह को नहीं हटा रहा राष्ट्रपति, किसी एक मंत्री को हटा दिया मंत्रिपरिषद से, तो व्यक्तिगत रूप से, समझ जाओ ना, जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति है। और असल में वास्तविक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? वास्तविक उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री के प्रति है। मेरी बात समझ? क्योंकि राष्ट्रपति का डिसीजन क्या खुद ले रहा है या प्रधानमंत्री के कहने पर ले रहा है? किसी मंत्री को हटाया जा रहा है या किसी मंत्री को बनाया जा रहा है मंत्री, तो यह डिसीजन जो है, यह निर्णय जो है, ले तो रहा है राष्ट्रपति, लेकिन किसके एडवाइस पर, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। यानी संविधान के तौर पर, संविधान में तो लिखा हुआ है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है किसकी ओर? राष्ट्रपति की ओर। लेकिन वास्तविक रूप में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसकी ओर है? प्रधानमंत्री की ओर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नोट करना स्टार्ट करोगे, लिखोगे, प्रत्येक कैबिनेट मंत्री का लिखना, प्रत्येक मंत्री लिखना, प्रत्येक मंत्री
प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। मंत्री राष्ट्रपति मंत्री या प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत लिखन प्रसाद पर्यंत प्रसाद पर्यंत यहां लिख रहा हूं, देख लेता हूं। प्रसाद कर रहे, ठीक है। क्या लिखे होता है? प्लेजर है ना, राष्ट्रीय प्लेजर है। तो प्रसाद कर रहे पद धारण करता है, पद धारण करता है। आगे लिखोगे इसका मतलब, इसका मतलब किसी मंत्री को राष्ट्रपति राष्ट्रपति ऐसे समय में भी हटा सकता है, हटा सकता है। ऐसे समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद उस मंत्री को या पूरे मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। उस मंत्री को या पूरे मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, यानी आया तो लोकसभा से है ना, सरकार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी प्रेसिडेंट मंत्री को मंत्रिपरिषद से या मंत्री के पद से हटा सकता है। क्या यह अधिकार प्रेसिडेंट का विवेकाधीन अधिकार है? नहीं। यह अधिकार कैसा है? यह अधिकार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री द्वारा प्रेसिडेंट को दिया जाता है। प्रेसिडेंट जो भी करेगा वो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करेगा और इसकी बाध्यता रहेगी। मेरी बात समझ में आ गई? किसी भी मंत्री परिषद में किसी भी मंत्री को हटाया नहीं जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन खुद से नहीं हटा सकता है बिना प्रधानमंत्री के सलाह के। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर प्रधानमंत्री हटाना चाह रहा है तो राष्ट्रपति के थ्रू हटा सकता है। कहने का मतलब कर रहा है प्रधानमंत्री, नाम किसका हो रहा है? राष्ट्रपति का। समझ में आ रहा है ना? देखो इस बात को, देखो देखो, हालांकि हालांकि राष्ट्रपति राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही केवल किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही केवल हटा सकता है, हटा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है, ठीक है। और इस मामले में, इस मामले में उसे किसी भी प्रकार की विवेकाधीन शक्ति प्राप्त नहीं, किसी भी प्रकार की विवेकाधीन शक्ति प्राप्त नहीं।
मैं कभी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसलिए वास्तविक स्तर पे या वास्तविकता में प्रत्येक मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद पर बना रहता है। क्या होता है प्रसाद पर्यंत? अरे हटाने की बात करें, प्रसाद पर्यंत बताओ, उसकी कृपा जब तक रहेगी। हाँ, जब तक प्रधानमंत्री कृपा बनी है ना, जब तक प्रधानमंत्री खुश है तब तक तो मंत्री को नहीं हटाएगा। कैसे मेरी बात समझा नहीं? प्रसाद पर्यंत यानी कि होता है वो ड्यूरेशन जब तक प्लेजर बना हुआ है, जब तक अच्छा माहौल चल रहा है। मेरी बात समझ? प्लेजर वाला प्रेसिडेंट क्या होता है? प्लेजर का प्रसाद पर्यंत क्या होती है? जब तक राष्ट्रपति खुश है, राष्ट्रपति खुश कैसे रहेगा? ऐसा क्या ना पड़ेगा? प्रसाद पर्यंत यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, जब तक पीएम नहीं बोल देगा, जब तक मंत्री पर उस मंत्री से पीएम दुखी होकर ना बोल दे तो भैया इन्हें हटाना है, हटा दीजिए, मेरी बात समझ, तब तक उसकी प्रसाद पर्यंतता बनी रहेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक, उतने ज्यादा समय तक मंत्री पद पर वह मंत्री आसीन रहेगा जब तक असल में पीएम खुश है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद अगर देखा जाए है ना, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री के प्रति। लेकिन हमें क्या लिख के आना है? राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में ऐसा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के है ना सलाह पर ही या राष्ट्रपति हटाता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो यानी कि राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंतता होनी जरूरी है। क्या मेरी बात क्लियर है? राष्ट्रपति का प्लेजर होना जरूरी है किसी मंत्री को अपॉइंट करने में और उसे हटाना। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर यह बात जोर दे के लिखी हो कि वास्तविक रूप से है ना किसकी प्रसाद परंपरा के अनुसार काम हो रहा है, तो क्या बोलोगे? प्रधानमंत्री। लेकिन ये जब जोर देके ना पूछा गया ना पूछा जाएगा, क्या मेरी बात? इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे तुम्हें है ना कि अब राष्ट्रपति करेंगे कि प्रधानमंत्री करेंगे, इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या लिख के आना है? राष्ट्रपति लिख के आना। क्या मेरी बात समझ आ गई? क्योंकि ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 75 क्लॉज 2। नोट कर लिए इस बात को, अच्छे नहीं नोट किया 75-2 लिखो, देखो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात संविधान में अनुच्छेद संख्या या अनुच्छेद 75 क्लॉज 2 में लिखी हुई है। दोबारा हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन वही बात है। हमने तो समझ आ गया कि राष्ट्रपति नहीं हटा रहा, असल में कौन हटा रहा है? असल में कौन हटा रहा है? प्रधानमंत्री। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री क्यों हटा रहा है ये बताओ मुझे। मंत्री प्रसाद मुखिया है ना, प्रधानमंत्री को असला दे रहे। राष्ट्रपति हटा रहा, प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा रहे, प्रधानमंत्री क्यों हटा रही है? मंत्री परिषद का वही मुखिया, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के किसी मंत्री को हटा रहे हैं, उससे खुश नहीं है या मान रहे हैं प्लेजर नहीं मिल रहा। मेरी बात समझ? यहां प्लेजर का क्या मतलब हो गया? मंत्री उसके अनुरूप काम नहीं कर रहा है, यानी कि कोई सामूहिक डिसीजन लिया गया था पीएम के नेतृत्व में और यह मंत्री महोदय जो है, कई सारे मंत्री हैं यहां पर, ठीक है, कैबिनेट है, लेकिन मैं सीईओ लिख दे रहा हूं, मंत्रिपरिषद लिख दे रहा हूं,
मंत्री परिषद भी नहीं कह सकते, उसका भी हेड क्लियर ही होता है ना। और यह मंत्री महोदय किसी सामूहिक निर्णय के खिलाफ जाकर मीडिया में कुछ बोल दे रहे हैं, टीवी पर कुछ बोल दे रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आई? गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि विमुद्रीकरण करना है, लिया था ना? अरे बोलो, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जीएसटी लाना है, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि फार्मर बिल है ना, कृषि बिल सुना होगा ना, कृषि बिल है लाना है। अब इसमें कृषि विधेयक में लेट अस सपोज कोई ऐसा मंत्री है जो किसानों से जुड़ा हुआ है, किसानों के मुद्दों से जुड़ा हुआ है, किसानों के सपोर्ट से ही ये क्या बना था, एमपी बना था, और एमपी बनने के बाद पीएम ने इसे क्या बना दिया था, क्या बना दिया था, मंत्रिपरिषद ने। ऐसे में भाई कहीं से एमपी चुनकर आया हुआ है, सांसद चुनकर आया हुआ है, क्या उस पर दबाव नहीं बनेगा कि अपनी सरकार बोलो कि क्यों कृषि बिल ला रहा है? ऐसे में ऐसे दबाव में यदि बाई चांस यह मंत्री अपने सरकार के खिलाफ किसी तरह का वक्तव्य जारी कर देता है, मेरी बात समझ आई, तो राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंतता खत्म हो जाती है, राष्ट्रपति प्रसाद बांटना खत्म कर देंगे, मेरी बात समझ आई, राष्ट्रपति अपना हाथ अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे, यानी दोबारा से इन्हें मंत्रिपरिषद से क्या बना देंगे, मंत्रिपरिषद के मंत्री से दोबारा क्या बना देंगे, सांसद बना देंगे, एमपी बना देंगे। क्या मेरी बात समझ आई? क्या प्रधानमंत्री इनकी संसद की मेंबरशिप यानी कि संसद की सदस्य है उसे भी निरस्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि संसद में जो आदमी पहुंचा है ये प्रधानमंत्री की कृपा से पहुंचा है या अपनी कृपा से पहुंचा, अपने काम की वजह से, अपने काम की वजह से पहुंचा है ना, उसका नॉमिनेशन उसका नामांकन जब मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में हुआ था तब तो वो पीएम के कहने पर हुआ था, लेकिन सांसद क्या पीएम के कहने पर बना है? नहीं ना, इसके लोगों ने इसे सपोर्ट किया है, किसानों ने इसे सपोर्ट किया। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, तो हटाया जा सकता है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिस्टर्ब किए हुए अगर यह मंत्री सरकार की मंशा के खिलाफ, सरकार के विधेयक के खिलाफ, सरकार के निर्णय के खिलाफ ओपनली कोई बात पर आकर क्रिटिसाइज कर रहा है, आलोचना कर रहा है सरकार की, तो ऐसे में हटा दिया गया, कर दिया गया, क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी था, है ना? क्या मेरी बात समझ आ गई? किसके प्रति उत्तरदायी था? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी था, और राष्ट्रपति के मुखौटे में कौन था असल में? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो काम कर रहे हैं वो असल में कौन करवा रहा है? प्रधानमंत्री करवा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि सो मेरी बात, यह एमपी जो है या ये जो मंत्री है इससे मंत्री पद ना छीना जाए, इससे मंत्री पद ना छीना जाए, क्या तुम्हें लगता है कि अपने सरकार के साथ हमेशा रहेगा? इससे मंत्री पद छीन लिया जाएगा? मेरी बात समझ में? अगर ये अपने सरकार के खिलाफ बोलेगा तो इससे मंत्री पद छीन लिया जाएगा, यानी यह हमेशा भले ही किसी डिसीजन से एग्री ना कर रहा हो, भले ही सरकार किसी निर्णय से, किसी योजना से, किसी विधेयक से इसकी सहमति ना हो, फिर भी हमेशा सरकार के समर्थन में खड़ा रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो क्या व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समझो मेरी बात, क्या व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, क्या सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित नहीं कर रहा है? मेरी बात समझो, इस मंत्री को डर है कि अगर यह मीडिया में आकर अपने मन की बात बोलेगा तो इसे मंत्रिपरिषद से हटा दिया जाएगा। मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि यह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, तो ऐसे में वो क्या समूह से भिन्न जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, क्या सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व था उसका प्रेसिडेंट के प्रति, इसीलिए वह अपने कैबिनेट से, अपनी मंत्रिपरिषद से कोई इतर मत नहीं रखता। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अपना मत हो सकता है भाई, इतने सारे मंत्री, 70-80 मंत्री है ना, क्या सारे के सारे मंत्री सारे विधेयकों से संतुष्ट रहेंगे?
कि सारे नीति निर्माण से संतुष्ट रहेंगे, सारी नीतियों से, सारी योजनाएं संतुष्ट रहेंगे, सारे सरकार के प्लान संतुष्ट रहेंगे? नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो खटपट होगा ही। लेकिन फिर भी सार्वजनिक रूप से, इम्पैक्ट क्या है, सार्वजनिक रूप से कोई भी मंत्री, परिषद का मंत्री ऐसा आकर नहीं कह सकता। मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी, ठीक है, और उसे व्यक्तिगत रूप से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की अवधारणा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की अवधारणा कहीं ना कहीं सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को ही बल दे रही होती है, को ही और मजबूती प्रदान कर रही होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना, व्यक्तिगत रूप से हटाया सकता है ना? कब हटाया सकता है? जब यह समूह से अलग चला जाए। समूह बोल रहा है ऐसा होना चाहिए, लेकिन यह बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो जब सामूहिक जो निर्णय लिया गया है, अगर उसके खिलाफ कोई मंत्री जा रहा है तो उसे हटा सकता है? या क्या दिखाता है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कहीं ना कहीं सामूहिक उत्तरदायित्व को क्या करता है, सुनिश्चित करता है? कि यूपीएससी में क्वेश्चन आया 2022 में सामूहिक और उत्तर सार्वजनिक उत्तरदायित्व बेस में क्वेश्चन आया था, सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बीच में क्या संबंध है? इतना कठिन क्वेश्चन था, सच नहीं कहा, नो आंसर। मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? नोट करो, इस बात लिखो, लिखो। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की अवधारणा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की अवधारणा कहीं ना कहीं सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को, सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को बल दे रही होती है, बल दे रही होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को बल दे रही होती है, क्योंकि क्योंकि वह प्रत्येक मंत्री जो कि कैबिनेट के द्वारा लिए गए सामूहिक निर्णय से असहमत होता है और अपने पद से, भाई सरकार कोई बिल ला रही है, सुनो एक मिनट रुक जाओ, सरकार कोई बिल ला रही है, आप सरकार में मंत्री हो, है ना, आपको बिल पसंद नहीं तो आप इस्तीफा दे दो, लेकिन आपने इस्तीफा भी नहीं दिया और आप विरोध भी कर रहे हो। जब आपने इस्तीफा नहीं दिया, यानी कि जब वह बिल पास हो रहा है तब आप भी सरकार का भाग हो, मेरी बात सुने, यानी आप बिल बना भी रहे हो और बिल का विरोध भी कर रहे हो, यह संभव है? हितों का टकराव, अंतर विरोध हो गया ना, वो आदमी बिल बनाने में, बिल के क्रियान्वयन में भी पार्टी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भाग है, मंत्रिपरिषद का भाग है, लेकिन सरकार का भाग है। सरकार कोई बिल ला रही है, उस बिल के व्यक्तिगत रूप से मैं खिलाफ हूं, तो मेरे पास एक ऑप्शन है रिजाइन देने का भी, तो कि मैं उस सरकार से इस्तीफा दे दूं, पता चला मैं सरकार का मंत्री बना हुआ हूं और विधेयक को वापस लेने की बात कर रहा हूं, यह सरकार से असहमति व्यक्त कर रहा हूं, तो यह तो अंतर विरोध की बात हो गई ना। क्या मेरी बात क्लियर? एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, यानी कि जो भी विधेयक आ रहा है वो हमारी हामी से आ रहा है, हमारे समर्थन से आ रहा है, और दूसरा हम ओपनली सार्वजनिक रूप से जाकर क्या कर रहे हैं, विधेयक का विरोध कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यह संभव नहीं है। अगर ऐसा कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा ना दे रहा हो तो प्रधानमंत्री उसे हटा सकता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के अंदर उसे हटा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर? नोट करोगे क्या लिखा, और अपने पद से इस्तीफा
और अपने पद से इस्तीफा ना दे रहा हो तो उसे मंत्रिपरिषद से हटाया जा सकता है नहीं है। सरकार के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भी ले जाओगे क्या अपने साथ?
सरकार बस नहीं कुछ गलत काम के रास्ते नहीं करो, चलो भैया आप ही चलो बैग पैक करो, ऐसा थोड़ा ना होता है। ठीक है, सरकार के आने जाने से क्या नए राष्ट्रपति आते रहते हैं? क्या नए राष्ट्रपति सरकार के आने से आते हैं? आते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली। क्या मेरी बात समझ? हमारे यहाँ नहीं आते। क्या मेरी बात समझ आगे? चलो, हमारे यहाँ कौन सी प्रणाली है? संसदीय। ठीक है, संसदीय प्रणाली कितनी जगह ध्वज को अभी अभी आगे आएगा। चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लो काउंसिल ऑफ कंस्टिट्यूशन से, देखो एक मिनट का टाइम दे, देखो पढ़ो मत, कोई चीज ऐसा लग रहा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का जो तुम्हें समझ नहीं आया प्लीज पूछो, जो चीज नहीं आ रही प्लीज पूछो। ठीक है, इससे बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है। और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इतनी खतरनाक चीज है कि अभी तक पूछी नहीं गई प्रीलिम्स में, जिस दिन प्रीलिम्स से पूछी जाएगी ना उस दिन आग लग जाएगी। मेरी बात समझ में? अभी अक्सर क्या हो जाता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही नहीं होती। मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात क्लियर? ठीक है, चलो बात करते नहीं देखते। अच्छा एक चीज, अच्छा नहीं अभी आगे आगे डिस्कस करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एक चीज और लिखी हुई है, इसके बारे में शायद बात नहीं किया था, एक बार ओपन कर लेते हैं। तुम लोगों ने नोट किया पीडीएफ को सब का कि नहीं नोट किया? नहीं नोट किया? पीडीएफ नोट किया है जो पीडीएफ सेंड किया था, नोट किए? उसमें एक बात और लिखी हुई है कि संसद की कार्यवाही में मंत्रिपरिषद कैसे काम करती है। मेरी बात समझ आ रही है? एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, तो संसद के दोनों सदनों की हर एक प्रकार की कार्यवाही में मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री हिस्सा बन सकता है, केवल और केवल, केवल और केवल मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाएगा, वो भी तब जबकि वो लोकसभा का भाग है, जबकि वो लोकसभा का है और राज्यसभा में कोई कार्रवाई नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक पॉइंट और है, नोट करोगे लिखो, इसमें दिया है ना इतना इशारा, एक बार चेक कर लेते हैं। पढ़ो एक बार, न्याय समीक्षा में चला पढ़ लेगा पूरा। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के निर्णय और मंत्रियों का संबंध न्याय समीक्षा के अधीन होते हैं, लेकिन आरटीआई के अधीन नहीं होते। आचार संहिता तो बताइए, इसी को हटाना समझा दिया, नियुक्ति कार्यकाल नियुक्ति समझा दिया, ये तो बताए कि जितने भी मंत्रिपरिषद के मंत्री रहेंगे क्या उनका सांसद होना जरूरी है? होना जरूरी है, लेकिन मंत्री बनते वक्त होना जरूरी नहीं। मेरी बात नहीं, जब मंत्री बन रहे हैं उसके 6 माह का समय रहेगा, है ना, 6 माह के अंदर ही सांसद उन्हें बनना पड़ेगा। प्रसाद परंपरा लिखवा दियो, बता दियो, हटाना समझा दियो, कैबिनेट समझ दिया, एग्जाम में आता नहीं है। रिक्वायरमेंट होगी, आप लोगों के पास पीडीएफ दे दिए, इसे आप लोग लिख लीजिएगा अपने आप से। ठीक है, लिखिएगा मंत्रिपरिषद के मंत्री, मंत्रिपरिषद के मंत्री अनुच्छेद 88 के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत किसी भी सदन की कार्यवाही, किसी भी सदन की कार्यवाही कौमा सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद में
संसद में किसी भी समिति समिति जिसका आप सदस्य हो, संसद में किसी भी समिति जिसका आप सदस्य हो, की कार्यवाही में बोलने का कि कार्यवाही में बोलने का और भाग लेने का अधिकार होगा। बोलने का और भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे वोट करने का अधिकार यानी कि उसे मत उसे मत अधिकार नहीं होगा। ये बात लिखी हुई क्यों लिखी हुई बताओगे? अच्छे भाषण में क्यों लिखी हुई ये बात? क्योंकि अगर वह मंत्री सांसद नहीं बना है, अगर वह मंत्री उस समय सांसद नहीं बना है यानी कि विधायिका का हिस्सा नहीं है, मेरी बात समझ? ऐसे में वो सांसद की कार्यवाही में अपना मत नहीं वोट भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं है, मत करने का अधिकार नहीं है। क्या बात है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वोटिंग का अधिकार नहीं रहेगा। कब यह अधिकार उसे मिल जाएगा? जब वह सांसद भी होगा। जब सांसद होगा तो उसे यह अधिकार मंत्री की हैसियत से नहीं, सांसद होने की हैसियत से अपने आप मिल जाएगा। और सांसद किसी एक सदन का होगा कि दो सदन का होगा? एक सदन का। तो जिस सदन का वह सांसद है उस सदन में उसे वोटिंग का अधिकार होगा, जिस सदन का वह सांसद नहीं है उसके समिति में नामित होने का अधिकार होगा, उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, उसमें बोलने का अधिकार होगा, संयुक्त बैठकों में भाग लेने का अधिकार होगा, उसमें बोलने का अधिकार होगा, लेकिन जिस सदन का सांसद नहीं है उसके पास उसका वोटिंग राइट नहीं होगा, मत अधिकार नहीं होगा, वहां पर वोट करने का राइट नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख लोगे इस बात को? क्योंकि बात लिखी नहीं तुम्हारी किताब में, उसमें सीधे बात लिखी है। किस बुक में? लक्ष्मीकांत नाम के बिगाड़ रहे तुम लोग। देखो उसमें ये लिखा हुआ है कि वोट करने का अधिकार नहीं होगा, गलत है बात। ठीक है, अंडरलाइन कर लो, कोई इंटरेक्ट करवाएगा नहीं। मेरी बात नहीं समझो, आंख बंद करके रजनीकांत को पढ़े जाओ, मेरी बात समझ? ब्लाइंड फॉलो हो, ये बात गलत लिखी हुई है कि वोट करने का अधिकार नहीं होगा। आंख बंद करने के मतलब आंख बंद करके कैसे पढ़ सकते हो? लेकिन समझ आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बात गलत लिखी हुई कि वोट करने का अधिकार नहीं होगा। वोट करने का अधिकार होगा यदि मंत्री सांसद है और किसी सदन का सांसद है, उस सदन में वोट करने का अधिकार होगा, दूसरे सदन में वोट करने का अधिकार नहीं होगा। इस बात को लिखो, देखो यदि मंत्री स्टार्ट करके लिखोगे, यदि मंत्री सांसद भी है, जो कि होगा ही, चलने के अंदर तो होना पड़ेगा उसको। ठीक है, यदि मंत्री सांसद भी है तो उसे अपने सदन में वोट करने का अधिकार, अंडरलाइन का, अपने सदन में वोट करने का अधिकार होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? संजय आ गए, प्रियंका जी आ गए, चलिए इतना क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कुछ कर रहे थे ना, कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को पोर्टफोलियो यानी कि उनके मंत्रालय देगा, इसके किसी घर पर देगा भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां Thank you.
स्थान, उसकी पोजीशन क्या कहते हैं, ठीक है, उसका संवैधानिक स्थान क्या है। बताओ दोबारा से क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है। यह है इंडियन पीएम, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, ये मेरी जुबान बोल रही है या मेरा दिमाग बोल रहा है? क्या कहें, जो कॉम्बिनेशन है पक्का, जो मैं बोल रहा हूं वो मेरा दिमाग बोल, जो मैं कर रहा हूं वो मेरा हाथ कर रहा है, या मेरे अगर मान लेना सपोज की बॉडी के अलग अलग ऑर्गन की अलग अलग सिराय दी सकती है, तो मैंने जब चोरी की सोच समझ के चोरी की है, सोच समझ के चोरी करके कुछ काम कर, है ना, तो सजा मेरे हाथ को मिलनी चाहिए या मुझे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जैसे मुझे यहाँ भी कष्ट हो, यहाँ भी अकल आए कि दोबारा चोरी ना करो, ये समझ लो इंडिपेंडेंट है। अगर हाथ को सजा मिलेगी तो दिमाग को कष्ट नहीं होगा, बस सोच लो जाओ, अगर दिमाग को सजा मिलेगी तो हाथ को कष्ट नहीं होगा, ऐसा समझ, समझ लो समझने के लिए क्या है, आप बताओ। कहीं कहीं सर फिजिकली भी कॉन्ट्रैक्ट क्लीन, आप सुने हो कॉन्ट्रैक्ट क्लीन, आप सुने हो 104 की कॉन्ट्रैक्ट क्लीन, क्या बोलते हैं मुंबई या फिल्मों में से, क्या बोल रहे हो सुपारी, चल यही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्लीन, नाम से एक बहुत फेमस सुल्तान की कॉन्ट्रैक्ट क्लीन हुई थी इंडिया में, बहुत फेमस सुल्तान, क्या नाम था सुल्तान की बात करो, क्या बोल रहे हो सुल्तान की, सुल्तान सल्तनत पीरियड में, समझ रहे हो ना, किसकी नाम बताओ। यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन, किस सुल्तान की कॉन्ट्रैक्ट क्लीन हुई थी, चंबल के डकैतों ने की थी कैथल नाम के एरिया में, अरे वाह वेरी गुड, रजिया सुल्तान की हुई थी, चंबल के डकैतों ने की, क्या मेरी बात समझ में। तो अब करवाई थी चालीसा ने, नोबल से करवाई थी 1240 एडी, डेट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, अपडेट भूल जाओ, भूलो नहीं लेकिन याद रखो, लेकिन अब उससे क्वेश्चन नहीं आ, ठीक है। अब बताओ हत्या किसने की थी, चंबल के डकैतों ने, करवाई किसने की, नोबल्स, नोबल्स नहीं क्या बोलते अमीर, जो भी अमीर वगैरह है ना, ये जो मंत्री समझ लो मंत्री वगैरह है उन्होंने करवाई थी, तब रिस्पॉन्सिबल कौन है उसकी हत्या का, असली हत्यारा कौन है, चंबल के डकैत या मंत्री, रजिया के मंत्री या रजिया के, रजिया को उड़ाने वाले अपने हाथों से चंबल के डकैत, काम कोई और कर रहा है, किसी कहने पे कर रहा है, मेरी बात समझ नहीं, समझे बात, तो किसका गलती ज्यादा माना जाए, किसकी गलती ज्यादा मानी जाएगी, ये एक पैराडॉक्स क्वेश्चन है, ठीक वही पैराडॉक्स है प्रधानमंत्री पद का, कि प्रधानमंत्री क्या केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चेहरा है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी निर्णय लेगा वह प्रधानमंत्री आकर माइक पर बोल देगा, या असल में प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का दिमाग है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को गाइड कर रहा है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के दिमाग में जितने भी आइडियाज आ रहे हैं, जितना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रतिवर्ष के मंत्री जो भी निर्णय ले रहे हैं उसे अंतर्गत गाइडेंस कौन दे रहा है, प्रधानमंत्री, क्या मेरी बात सुनाई, यह एक यक्ष प्रश्न है, इसका जवाब राजनीतिक विशेषज्ञों के पास भी नहीं है, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, क्या मेरी बात क्लियर है, लेकिन वही बात है ना, यह पेन खराब है, लेट अस सपोज, है ना, और मैं लिख रहा हूं, तो कैसे डिसाइड करोगे कि राइटिंग जो है वो पेन की वजह से खराब है या इस व्यक्ति की वजह से खराब है। जो लोग मुझे पहले जानते जानते हैं कि इनकी राइटिंग खराब है, पहले कोई दोष नहीं, मेरी बात समझ, लेकिन डिसाइड कैसे करेंगे अगर पेन भी खराब हुआ तो, यानी कि जो प्रेसिडेंट में, जो प्रेसिडेंट के टाइम बताया था वही चीज इसमें भी, प्रेसिडेंट के समय बताया था ना कि कौन सा व्यक्ति
बैठा हुआ है पद पर और उस पद का कैसा इस्तेमाल कर रहा है यह निर्धारित करेगा कि महज महज प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री परिषद सॉरी मंत्रिपरिषद का चेहरा है या फिर उसका मुख्य दिमाग उसका हेड है उसका कौन सा प्रधानमंत्री बैठा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, हमारे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, कई सारे प्रधानमंत्री अब तक हो चुके हैं। एक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, भूतपूर्व है ना प्राइम मिनिस्टर, फेमस प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट, बहुत अच्छे इंसान व्यक्तिगत तौर पर, कौन? मनमोहन सिंह। ठीक है, आप देख के बताओ, सोच कर इनके बारे में जो भी कहानियां या जो भी कहावते या जो भी व्हाट्सएप तुम्हें फॉरवर्ड आज तक मिला है वो सब ध्यान में रखकर या जो भी अफवाहें मिली है वो सब ध्यान रखकर थोड़ा बताओगे, आप सोच के बताओगे क्या यह मंत्रिपरिषद के मुखिया थे या जस्ट मंत्रिपरिषद का चेहरा था। इनका नाम सुने? यस। समझ आ रहा है? कुछ कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं है? क्लास शुरू की इसलिए संभाल, कोई बात नहीं। बताओ मंत्रिपरिषद का चेहरा थे या दिमाग थे? चेहरा थे, दिमाग थे। मंत्रिपरिषद का चेहरा यानी कि सारा डिसीजन मंत्रिपरिषद के अंदर ले लिया गया, आपको केवल माइक दे दिया गया है अनाउंसमेंट के लिए। मंत्रिपरिषद का चेहरा होने का मतलब क्या हुआ कि सारा निर्णय पहले से लिया गया अंदर ही अंदर, सारा निर्णय जो अन्य राजनीतिक लोग हैं, मेरी बात समझ, उन्होंने ले लिया। या राजनीतिक भी नहीं हो सकते, कोई जरूरी नहीं है, जो पार्टी उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी में आप, उस पार्टी के अंडर में आप काम कर रहे हो, हो सकता है उसके लुक किया है उनका कोई भी राजनीतिक पद ना हो, सोनिया गांधी राहुल गांधी, मेरे पास नहीं। और फिर भी डिसीजन ले लिया गया। क्या मेरी बात समझ में? और डिसीजन लेने के बाद आपको एक पर्ची पकड़ा दी, लो इसे कहां पढ़ देना, माइक के सामने पढ़ देना है। तो ऐसा प्रधानमंत्री समझ रहे होगा, बहुत अच्छे भी डिसीजन लिए इन्होंने, बहुत खराब भी पता लिए कि नहीं, वो डिस्कशन का पार्ट है, मेरी बात समझ नहीं है। लेकिन ऐसा एक प्रधानमंत्री जो कि खुद के डिसीजन ना ले रहा हो, केवल और केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर चल रहा हो, क्या वह मंत्रिपरिषद का मुखिया है? चेहरा है, चेहरा। क्या मेरी बात समझ? दूसरे प्रधानमंत्री का नाम ले लेते, क्या इसका नाम ले लें ताकि तुम लोग अंदर करवा सके, है ना? ठाकुर ऐसे जाओगे पकड़ के, मेरी बात समझ? सरकारी लगे हुए, बताओ कौन है ये? कौन है ये? नाम तो बताओ इनका, उनसे चर्चा कराओ। इंदिरा गांधी, आयरन लेडी। अब सोच समझ के बताओ, क्या ये अपने मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम कर रही थी? नहीं। इमरजेंसी लग गई, मंत्रियों को पता ही नहीं इमरजेंसी लग गई, मंत्री जा रहे पार्लियामेंट, पुलिस खरीद रही है, अरे इमरजेंसी लागू होगी, आप ही लोगों ने लागू करवाई, आपको पता नहीं है? खुद ही बोल दी मंत्रिपरिषद की सलाह पर हमने इमरजेंसी लागू कर दी, मेरी बात समझ? क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या तुम इस बात पर सहमत हो कि प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति आसीन है उसका व्यक्तित्व भी निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री के पद में कितनी पावर है, या प्रधानमंत्री का पद जो है वो महज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चेहरा है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का असल मुखिया? क्या मेरी बात समझ? या उस पद उस व्यक्ति पर निर्भर करता है और बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, इसके बारे में अच्छा चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, एक प्रधानमंत्री उसे सबका सपोर्ट है, फुल मेजोरिटी में आया, अच्छा काम किया तो पिछली बार, इस बार जीत गया, फुल मेजोरिटी मिली है, 545 में से समझ लो 4.5 सीट मिली अपने दम पर, मेरी बात समझ? ऐसा प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा? रहेगा। क्या उसे, अब बताओ, वो अपने काम के बल पे जीता है, उसे पता है कि मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की इतनी साथ नहीं है, लोगों के बीच दिति हमारी, हम अपने नाम पे जीत रहे, अपने काम पे जीत रहे, तो क्या ऐसा प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का पहला चेहरा है या मंत्रिपरिषद का मुखिया है? मुखिया है, क्योंकि वो सारा डिसीजन खुद ले रहा हो, मेरी बात समझ? नहीं बात समझ? एक ऐसा प्रधानमंत्री जो विभिन्न घटकों दलों को जोड़कर, समझ रहे हो ना,
भैया चार एमपी उनके आ गए, चार एमपी तेलुगु देशम, चार एमपी कम्युनिस्ट पार्टी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ किसी और को नहीं बोलो, है ना, चार एमपी राजन पार्टी, चार एमपी किसी और के, ऐसे गठबंधन का मंत्री, क्या यह मंत्रिपरिषद या कैबिनेट मंत्री की सलाह के बिना कोई डिसीजन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा भाई। कल को अगर मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना कोई डिसीजन ले लिया और कोई कैबिनेट मंत्री गुस्सा हो गया तो वो अपना समर्थन सरकार से खींच लेगा और सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। नहीं समझ पाएगा। तीस्ता जल समझौता नाम सुने? तीस्ता वाटर एग्रीमेंट, तीस्ता तीस्ता नदी किस किसके नीचे बहती है उसे बताओ मुझे। जल समझौता बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मनमोहन सिंह के पास गई फाइल, मनमोहन सिंह जी ने कहा यह समझौता तो बहुत अच्छा है, इससे इंडिया को फायदा ही फायदा हो जाएगा। नहीं समझेगा, इंडिया को फायदा हो जाएगा इस समझौते पर हम साइन कर देते हैं। लेकिन उनकी गवर्नमेंट टिकी थी किसके समर्थन पर? ममता बनर्जी के समर्थन पर। ममता बनर्जी यानी कहा किसी का? पश्चिम बंगाल। और तीस्ता कहां पर? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की बाउंड्री पर। क्या मेरी बात समझा रही है? नहीं समझेगा। ममता एकदम साइन होने वाला समझौता, गए थे वहां पर साइन करने के लिए, सब कुछ अरेंजमेंट हो गया था। ममता बनर्जी व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप में जब मैं बोला कुछ समझ आया तो बात में क्या बात रहा हूँ, है ना, मैसेज कर रही है कि सॉरी सर हम लोग इस समझौते में भाग लेना नहीं चाहते। मेरी बात समझ आई? हमें लग रहा है हमारे बंगाल का नुकसान हो जाए। मेरी बात समझ आ गई? समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यानी मेरे बंगाल का नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं सरकार से यह आग्रह, विनम्र आग्रह कर रही हूँ कि कृपया केंद्र सरकार तीस्ता वाटर समझौता, तीस्ता वाटर एग्रीमेंट ना करे। मेरी बात समझ? तो ऐसे में मनमोहन सिंह के पास पूरा अधिकार है कि राज्यों की बात को दरकिनार करके इंटरनेशनल एग्रीमेंट को साइन कर सके। आर्टिकल 251 नोट कर लो, अनुच्छेद 251 अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट समझौते कौन साइन करेगा? केंद्र सरकार या राज्य? केंद्र। राज्य कुछ बोलेगा? यूएसए से मत करिए भाई, यूएसए वाले बड़ा परेशान कर रहे हैं, हम कुछ मांगे तो नहीं दिए, इनके से टमाटर आया था खराब निकल गया था, तो केंद्र ना करे? करेगा, पूरे अच्छे से कर सकता है। राज्य की सलाह केंद्र के ऊपर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में बाध्यकारी नहीं। क्या मेरी बात समझ आ गई? राज्य की सलाह अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में केंद्र के ऊपर बाध्यकारी नहीं। फिर भी मनमोहन सिंह भले ही उनके ऊपर बाध्यता नहीं थी कि पश्चिम बंगाल की सीएम की बात माने, फिर भी तीस्ता जल समझौते से पीछे हट गए, साइन करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार के, क्योंकि सरकार किसके समर्थन चल रही है? समझ जाओ ना, ममता बनर्जी के समर्थन चल रही है। अगर ममता बनर्जी गुस्सा हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, तो सरकार को गिरा भी सकती है, लोकसभा भंग हो जाएगी, मंत्रिपरिषद चला जाएगा। एक निर्णय, पीएम एक आदमी एक साइन और सबकी जॉब गई, क्योंकि मंत्रिपरिषद भंग हो गया, लोकसभा में सरकार नहीं गई, समर्थन नहीं है। तो क्या ऐसा पीएम, क्या ऐसा पीएम क्या सख्त निर्णय ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, सशक्त निर्णय नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपने सशक्त बनाया नहीं, आपने फुल वोटिंग की होती, वो दूसरे घटक पे निर्भर ना होते। मेरी बात समझ में? दूसरे घटकों पे निर्भर ना होते तो अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्जी के राजा हो जाते, है ना। लेकिन उनकी सरकार ही दूसरे घटकों के भरोसे है, यानी अगर दूसरे घटक बोलेंगे भैया इसको साइन ना करो तो साइन नहीं करेंगे, वरना सरकार को गिराने की धमकी दे देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह के बहुत से कारक होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि जो पीएम है, प्रधानमंत्री के पद पर है, वो सशक्त है या नहीं है। इस तरह के बहुत सारे कारक है। तीसरा वाटर समझौता मोदी जी के सामने आया, तुरंत साइन हो गया। इसमें उनकी पर्सनालिटी का कोई अलग से दोष नहीं, या उनकी पर्सनालिटी कोई अच्छा ही नहीं। क्यों साइन हो गया? क्योंकि सरकार कैसी है?
पूर्ण बहुमत की सरकार है। क्या राज्य या किसी अन्य पार्टी पर निर्भर सरकार है? नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार थी ना। क्या मेरी बात समझ? उसे अन्य घटक दलों की आवश्यकता नहीं है। कोई चाह भी ले तो सरकार को नहीं गिरा सकता। मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं? तो तीसरा वाटर सेगमेंट तुरंत साइन हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? अब यह बताओ, क्या प्रधानमंत्री के पद पर जो आसीन व्यक्ति है, इसे शक्ति कैसे आ रही है? इसे शक्ति कहां से मिल रही है? बहुमत से मिल रही है। अगर उसकी पार्टी बहुमत में है, अन्य घटक दलों की आवश्यकता समर्थन के लिए नहीं है, तो वह अत्यंत शक्तिशाली है। इंदिरा गांधी 1975 बिना किसी से पूछे क्या आ गया? सुबह उठो, आपातकाल लग गया। अरे ये क्या हो गया? हमें तो क्लास करने जाना था, हम तो जॉब पे जाना था। मेरी बात समझ? पता चला आपातकाल किसी को खाने का खबर नहीं, कब आपातकाल लग गया। मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोलो। अपोजिशन तो छोड़ो, घटक दल तो छोड़ो, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य उन्हें नहीं पता आपातकाल कब लग गया। वेरी स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उन्हें स्ट्रांग बनाया किसने? जब चुनाव में उन्हें बहुमत, पूर्ण बहुमत मिला, है ना? क्या मेरी बात क्लियर है? तो ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री दो तरह के हो सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई? एक एक स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि एक कुछ आर्थिक विश्लेषक है जो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री केवल मंत्रिपरिषद का चेहरा होते हैं। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री बाई चांस एक्सपायर हो गए या अगर प्रधानमंत्री रिजाइन दे दिए, तो उनके रिजाइन देते ही पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद निरस्त मान लिया जाएगा, अपने आप रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। कल को अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया अब मैं इस पद के लायक नहीं हूं, मैं इस्तीफा आज से ही दे रहा हूं, तो अपने आप मंत्रिपरिषद खत्म हो जाएगा, सरकार खत्म हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ गई? दोबारा से चुनाव करवाना पड़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? नहीं समझ आई बात? समझ आ रही? तो मंत्रिपरिषद का चेहरा तो है। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट करना स्टार्ट करोगे? नोट करो, लिखो। विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों की अलग अलग राय है, और समझते थोड़ा सा। मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है, कल भी इस बारे में बात हुई थी, संविधान को पढ़ने बैठ जाएंगे ना तो ज्यादा बार प्रेसिडेंट का जिक्र है या प्रधानमंत्री का जिक्र है? प्रेसिडेंट का। जो ज्यादा बार जिक्र जिसका ऐसा होता है उसी को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट अधिक महत्वपूर्ण है और अधिक शक्तिशाली। मेरी बात समझ? पीएम का जिक्र कम बार है, पीएम का जिक्र कम बार है, पीएम की जगह पर किसका जिक्र है ज्यादा बार? मंत्रिपरिषद। क्या मेरी बात क्लियर है? पीएम के बारे में जस्ट इतनी सी ही बात लिखी हुई है कि मंत्रिपरिषद क्या होता है। यह भी नहीं कह रहे हैं कि मंत्रिपरिषद में जो अन्य मंत्री हैं वो उनसे जूनियर, बस यह लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद का मुखिया है, यानी मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री को जो पद मिले हुए हैं वो राष्ट्रपति ने पीएम की सलाह लेने पर ही उन्हें दिए। मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत हो रही है ना? ठीक है। यानी कि असल में देखा जाए तो संविधान के अनुसार पावरफुल है मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। असल में देखा जाए तो संविधान पढ़ने में लगता है कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों और प्रधानमंत्री के बीच में बहुत ज्यादा शक्तियों का अंतर नहीं, बस इतना ही अंतर है कि भाई जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के कहने पर हो रही है। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी देखने में ऐसा लगता है कि ही जस्ट एक लैटिन टर्म यूज करते हैं, लिख रहे पर लिखोगे लिख लेना इसी भाषा में, फर्स्ट इंटर
पेरिस देखो बड़ा देखो थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी चीजें है ना ग्रीक कुछ लैटिन कुछ ना कुछ आता रहेगा प्रधानमंत्री के लिए एक जो स्कूल ऑफ थॉट है यानी एक खास तरह के जो राजनीतिक विश्लेषक है तो प्रधानमंत्री के पद को मानते हैं कि इट इज जस्ट फर्स्ट इंटर पैरिस फर्स्ट इंटर पैरिस का क्या मतलब होता है कि बराबरों में प्रथम बराबरी के जो लोग है ना उनमें बस पहला है बहुत अंतर नहीं संविधान पढ़ने के बाद तो यही लगता है क्या मेरी बात क्लियर है संविधान पढ़ने के बाद क्योंकि प्रधानमंत्री का जिक्र ही नहीं कहीं बस यही जिक्र है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कर रहे हैं दो चार जगह और अपोजिशन लीडर वगैरह एक दो बात मेरी बात समझ एक दो समितियों का हेड बस ज्यादा जगह जिक्र नहीं है ज्यादा जगह जिक्र किसका है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पावर मंत्रिपरिषद की सलाह पर आपने चेंज कर रहा है ना मेरी बात समझ क्या लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति हर तरह का कार्य करने के लिए बाध्यकारी है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या लिखा हुआ है बताओ मंत्रिपरिषद नहीं सुनाई दे रहा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है सारा काम हो रहा है सारी बाध्यता जो लगाई जा रही है वो प्रधानमंत्री के द्वारा लगाई जा रही है और मंत्रिपरिषद के द्वारा लगाई जा रही है मंत्रिपरिषद शब्दों में तो लगता है कि मंत्रिपरिषद ही बाध्यता लगा रहे राष्ट्रपति के ऊपर मेरी बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है ना शब्दों में संविधान में जब सदा शब्दों की ओर ध्यान देंगे तो ऐसा लगेगा मंत्रिपरिषद से जरूरी है मंत्रिपरिषद ही बाध्यता लगा रहे मंत्रिपरिषद ही सब काम करवा रहा है सारी बाध्यता सारे राष्ट्रपति को एडवाइस देना सलाहकारी शक्तियां इमरजेंसी की शक्ति कैबिनेट के पास वही मंत्रिपरिषद का हिस्सा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लगाते हैं इमरजेंसी आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 क्या बोलता है कैबिनेट की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर कैबिनेट की सलाह पर तो आप वो बताओ मंत्रिपरिषद का ही एक हिस्सा कैबिनेट है ना ज्यादा जरूरी या प्रधानमंत्री ज्यादा जरूरी ऐसा दिखता है पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर महत्वपूर्ण क्या मेरी बात क्लियर है प्रधानमंत्री जस्ट इसके लीडर है बराबर के लोग हैं सारे मंत्री जो है आपस में बराबर के लोग हैं और प्रधानमंत्री जस्ट इसमें पहले क्या मेरी बात क्लियर है यानी कि बहुत अंतर नहीं क्या मेरी बात क्लियर है तो लिखोगे इस बात और दूसरा एक मिनट उठ जाओ दूसरा व्यू क्या है कि जो कैबिनेट स्ट्रक्चर है या सरकार जो है उसका सबसे मजबूत आधार स्तंभ कौन है सबसे शक्तिशाली या सबसे मजबूत लिख सकता हूं सबसे मजबूत आधार स्तंभ कौन है अरे नाम तो बताओ ना कौन है प्रधानमंत्री यही बोल रहे हो तब तेज बोला करो ठीक है ऐसा बोल क्यों है कैबिनेट का मुखिया कौन ये बात लिखी हुई है मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन मंत्रिपरिषद तो लिखा हुआ है लेकिन असल में डिसीजन कौन ले रहा है असल में चर्चा कौन कर रहा है असल में नीतियां कौन बना रहा है असल में योजनाओं पर अमल कौन कर रहा है कैबिनेट और कैबिनेट का मुखिया कौन है पीएम के कहने पर ही हो रहा होगा मेरी बात सुन नहीं अरे बोलो क्या मेरी बात कह रहे पीएम के कई बार पीएम के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाता है ना पीएम ने कोई निर्णय लिया क्या ये बोलाते हैं मंत्रिपरिषद का नाम लगा के बोलते कि इनका निर्णय या बोलते मोदी सरकार का निर्णय मनमोहन सिंह सरकार का निर्णय देवगौड़ा सरकार का निर्णय
इंदिरा गांधी सरकार का निर्णय है, ऐसे तो बोलते हैं क्या? मेरी बात क्लियर है? जबकि सारे नियम सारी योजनाएं क्या कैबिनेट के किसी एक मुखिया द्वारा अकेले ली गई होंगी या डिस्कशन विचार विमर्श के बाद ली गई होंगी? विचार विमर्श के बाद ली गई होंगी। लेकिन फिर भी क्या बोला जाता है, निर्णयों में सबसे अधिक प्रभाव किसका है? पीएम का है। और इसीलिए पीएम को आपको पता भी है सर्वाधिक शक्तिशाली पद, भले ही सीधे तौर पर यह बात संविधान में लिखी नहीं हुई है, सीधे तौर पर नहीं लिखी हुई है, लेकिन भी जब प्रैक्टिस करते हैं, जब पदों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पद पर लोग आसीन है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब वो पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का पद जो है वो अत्यंत शक्तिशाली है। मेरी बात समझ भाई? प्रधानमंत्री खत्म, ठीक है, ऊपर चले गए प्रधानमंत्री, समझ जाओ ना पूरा बात है, ठीक है, ऊपर चले गए प्रधानमंत्री तो मंत्रिपरिषद भी क्या हो जाएगा? अरे ऊपर नहीं जाएगा मंत्रिपरिषद, खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ? प्रधानमंत्री ने रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, तो मंत्रिपरिषद भी अपने आप खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री हेड थे मंत्रिपरिषद के, अगर उनका इस्तीफा आ गया, इसका मतलब मंत्रिपरिषद अपने आप निरस्त हो गई, मंत्रिपरिषद भंग हो गई, सरकार गिर गई। क्या मेरी बात समझ? तो अब सोच के बताओ, क्या कैबिनेट का जो भी स्थापत्य है, जो भी आर्किटेक्चर है, या जिसपे भी सरकार टिकी हुई है, क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर का, क्या उस चीज का सबसे मजबूत आधार क्या प्रधानमंत्री नहीं? प्रधानमंत्री गौण तो मंत्रिपरिषद खत्म, मंत्रिपरिषद गौण बोल देना, चलिए समझा, प्रधानमंत्री रिजाइन किया तो मंत्रिपरिषद अपने आप रिजाइन कर दी। मेरी बात समझ? मंत्रिपरिषद को रिजाइन देने का मौका ही नहीं था, मंत्रिपरिषद को निरस्त मान लिया गया। प्रधानमंत्री का हटना, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मंत्रिपरिषद का ही इस्तीफा समझा जाता है। मेरी बात समझ नहीं समझे? बात समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर हटते हैं या किसी भी अन्य रूप से हटते हैं, प्रधानमंत्री की डेथ क्या मानी जाएगी? मंत्रिपरिषद का इस्तीफा ही माने, मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाएगा। मेरी बात समझ? नया मंत्रिपरिषद बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही? इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी जब वो पोस्ट पे थी, सुनो इंदिरा गांधी के बारे में, नहीं सुने? इंदिरा गांधी नाम सुना है? क्या हुआ था? हाँ, उनका एसेसिनेशन, उन्हें एक राजनीतिक प्रतिनिधि में मार दिया गया था, राजनीतिक भी नहीं बोलेंगे, उनके राजनीतिक भूल थी कुछ, है ना, शायद सुना होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, सुना कि नहीं सुना? ऑपरेशन ब्लू स्टार सुने? क्या हुआ था अमृतसर में, पंजाब में जो गुरुद्वारा साहिब है वहां पर उन्होंने उसकी धार्मिक महत्व का ध्यान रखते हुए आर्मी को भेज दिया था, क्योंकि सूचना मिली थी कुछ टेररिस्ट छुपे हुए हैं जो भारत की आजादी की बात करते, भारत से आजाद होने की बात करने की बात करते, खालिस्तान की बात करते। क्या मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं? तो फाइनली उनका मर्डर हो गया। अब जब उनका मर्डर हो गया, यानी प्रधानमंत्री पद पे कोई नहीं है, मेरी बात समझ? तो अपने आप कैबिनेट भी भंग और मंत्रिपरिषद भी भंग। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये प्रधानमंत्री की पावर है। मेरी बात समझ आ गई? प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही तो मंत्रिपरिषद काम कर रहा था। अरे मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद के मंत्री, बता चुका हूं उस बारे में, अभी बात हुई इस बारे में ना, पीएम के प्रतिनिधि, मंत्रिपरिषद के मंत्री वास्तविक रूप में किसके प्रसाद पर रहे थे, अपने मंत्री पद के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, प्रधानमंत्री के कहने पर वास्तविक रूप में, है ना? क्या मेरी बात समझ? और वो प्रधानमंत्री है नहीं, क्या मेरी बात समझ? तो अपने आप COM मंत्रिपरिषद खत्म मान लिया जाए, दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे, दोबारा से मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मेरी बात क्लियर है? यह निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री का पद कैसा है, प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति आसीन है वह कितना शक्तिशाली है, यह भी निर्भर करता है। और साथ ही साथ अगर पुरानी सरकार थी उसी प्रधानमंत्री के अंदर में, तो लोगों ने उसे कितना पसंद किया, लोगों ने उसे कितना ना पसंद किया, उससे ही प्रधानमंत्री को पावर आ रही होती है।
यानी कि कुल मिलाकर बहुत सारे कारक होते हैं जो प्रधानमंत्री के पद को या तो केवल चेहरा बना रहे होते हैं या असल में सरकार का मुखिया बना रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कुल मिलाकर कई सारे कारक हैं जिनके आधार पर कभी हम प्रधानमंत्री को केवल सरकार का चेहरा, मंत्रिपरिषद का चेहरा या कभी सरकार का मुखिया बोल सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? मनमोहन सिंह के समय को तुमने सुना होगा, कई बार बहुत सारी आलोचनाएं होती है, से एक आलोचना ये है कि डिसीजन सोनिया गांधी ले रही है ना, या गांधी को दे रहे हैं और उसे इंप्लीमेंट या उसे और पेपर लिखने का काम कर रहे हैं मनमोहन सिंह, मेरी बात सुने? तो ऐसे में क्या उन्हें वीक प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला जाएगा? और यह बात पता भी नहीं थी कि चुनाव जीतने के पहले कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, 2004 के पहले ये पता नहीं है। यानी असल में चुनाव किसने जीते? सोनिया गांधी कांग्रेस ने, मेरी बात सुने? और पीएम पद पर वो उनके बिहाफ पर आए थे, उनके द्वारा तय किए गए थे। क्या मेरी बात सुने? तो ऐसा प्रधानमंत्री क्या जिसके कहने पर या जिसके नामांकन होने पर प्रधानमंत्री पद पर बैठा है, क्या ऐसा प्रधानमंत्री उसके अंडर में काम नहीं करेगा? अरे बोलो, क्या ऐसा प्रधानमंत्री मजबूत रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो कई सारे कारक होते हैं, केवल एक कारक नहीं है, कई सारे कारक होते हैं कि प्रधानमंत्री पद को या तो शक्तिशाली या तो शक्तिहीन बना देते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? पद में तो सही बात है, बहुत सारी शक्तियां जो है वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? कुछ नोट कर लो, खास लिखो, थोड़ा सा लिख लो, बस लिखो। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा प्रधानमंत्री को केवल फर्स्ट लिखा है ना, इसके लिए प्राइमस लिख सकते हो, प्राइमस लैटिन वर्ड है प्राइमस, प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर परेस माना जाता है, प्राइमस इंटर परेस ऐसे लिखोगे, प्राइमस इंटर परेस माना जाता है, जिसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है? वेरी गुड, बराबरों में प्रथम। तुम तो बहुत समझदार हो, बस थोड़ा सा और पढ़ाई करो। बराबरों में प्रथम, जिसका अर्थ क्या होता है? बराबरों में प्रथम। इस अवधारणा के अनुसार, इस अवधारणा के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की टीम का, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की टीम का चेहरा होता है और संघ के कार्यपालिक निर्णय, संघ के कार्यपालिक निर्णय संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं, संघ के कार्यपालिक निर्णय संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं, ना कि केवल अकेले किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। कुछ लोग, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिसीजन टेकिंग बॉडी है, प्रधानमंत्री जस्ट उसका हेड है या उसका फेस है, हेड भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसमें? फेस है, जस्ट चेहरा है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कैबिनेट में आपस में डिस्कशन किया हुआ है और उसी के अनुसार निर्णय लिया जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? एक तरह से उसमें प्रधानमंत्री का रोल एक वक्ता के रूप में अधिक है और मुखिया के रूप में कम है, कुछ राजनीतिक विशेषों का कई मानना। क्या मेरी बात समझ? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छा ये बताओ बेटा, सपोज पीएम है लेकिन कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी मंत्री उसकी बात ही मानने को तैयार नहीं। पीएम ने बोला कि हम कोई प्रस्ताव लाए है ना, लेकिन
एक मंत्री नहीं, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो है ही, लेकिन एक मंत्री नहीं, सारे के सारे मंत्री बोल रहे हैं कि हम ये बात नहीं मानते, हम आपने जो डिसीजन लिया वो गलत है। क्या मेरी बात समझ में? तो क्या ऐसे में सारे मंत्री परिषद को हटा देगा, सारे मंत्री को हटा पाएगा? नहीं हटाएगा। अगर हटाएगा तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि इन्हें अपने खुद के मंत्रियों पर विश्वास नहीं है, इन्हें अपनी खुद की सरकार पर विश्वास नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो कहीं ना कहीं यह अवधारणा भी सही है कि मंत्री परिषद की चर्चा के बगैर प्रधानमंत्री कोई भी डिसीजन या कोई भी निर्णय नहीं लेता है। तो कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद, क्योंकि संख्या में भी तो ज़्यादा कौन है भाई, 70-80 मंत्री है, उसमें से एक प्रधानमंत्री है, और बचे हुए 79 कौन है? मंत्रिपरिषद के मंत्री। मेरी बात सुन रही नहीं? बात सुन रही? तो कहीं ना कहीं अगर 79-75 अगर एक हो जाएंगे तो भारी पड़ सकते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। नहीं समझ पा रहे? तो यह अवधारणा, और कम से कम संवैधानिक रूप से तो ये बात लिखी हुई है, कम से कम संवैधानिक रूप से तो अवधारणा एकदम सही है कि मंत्री परिषद द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, द्वारा सलाह दी जाती है, ना कि अकेले प्रधानमंत्री के द्वारा। क्या मेरी बात समझ आ गई? चलो ठीक है, क्लास ओवर कर रहे हैं, कल पढ़ेंगे।